सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। इस वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले एक टाइपोग्राफी इफेक्ट, और उस टाइपोग्राफी इफेक्ट को हम देखेंगे एक बैनर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं फोटोशॉप के अंदर, क्रिएट करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। मैंने यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट का साइज लिया हुआ है 1080 pixels by 1080 pixels। देन मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट कर देता हूँ 120 pixels। कलर मोड मैंने यहाँ पे RGB रखा हुआ है, और ये क्रिएट कर देता हूँ मैं एक डॉक्यूमेंट। हमको जो इफेक्ट क्रिएट करना है उसका नाम है ट्विल टेक्स्ट इफेक्ट। मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरह का इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर लिया है, फुटबॉल। आपको जो भी वर्ड चाहिए आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ गूगल का पॉपिंस। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। यहाँ पे मैं उसका ब्लैक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस वाले इफेक्ट के ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। टेक्स्ट के ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते ही आपको स्ट्रोक को ऑन कर देना है। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रोक को रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना स्ट्रोक थिक चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 pixels रख देता हूँ, ताकि ये दिखने में और भी कूल लगे। देन आपको यहाँ पे ओके पे हिट कर देना है। अब ये जो स्ट्रोक है इसके अंदर का फील आपको निकाल देना है, जो कि बैकग्राउंड कलर जो आप टेक्स्ट के अंदर दिया था हमने पहले, उसको हमको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली जाके फील के अंदर आपको यह पे ऑफ कर देना है। ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रोक का जो फॉन्ट है ये काफ़ी कूल दिखता है। आप स्पोर्ट्स बैनर के अंदर जब यूज़ करते हो तो आपको ये काफ़ी इफेक्टिव लगता है। तो इस वाले इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमको इसका एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। एक नहीं बल्कि मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपी आप बना सकते हैं। तो सिंपली आप कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर क्लिक एंड ड्रैग ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे कॉपी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ऑल्ट प्रेस करके इसका एक कॉपी बना रहा हूँ। तो इतने सारे कॉपीज मैंने यहाँ पे बना लिए। इनको सिलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको मर्ज कर दूंगा, या तो फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, इसको अलाइन कर लेते हैं सही से, और कंट्रोल टी प्रेस करके इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। आपको ट्विल इफेक्ट बनाने के लिए सिंपली फिल्टर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको डिजॉर्ट में जाना है, और यहाँ पे ट्विल में आप यहाँ पे एंगल उसका सेट कर सकते हैं आपके मुताबिक। आपको जितना चाहिए उतना आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 100 degree करूँगा, तो ये दिखने में और भी कूल लगे। तो ये आपका ट्विल इफेक्ट रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कूल लग रहा होगा, लेकिन इसको हमको एक पोस्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक फुटबॉल का इमेज, प्लेयर का इमेज लेके रखा हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वाले इमेज को हमको एज अ पोस्टर यूज़ करना है। बैकग्राउंड तो आपका ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके प्लेन कलर का एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड ले लूँगा। मैं अभी थोड़ा सा मिनिमलिस्ट इसको बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से फुटबॉल के अंदर से येलो वाला जो कलर है उसको मैं यहाँ पे चूज़ कर ले रहा हूँ। आप आपके हिसाब से जो भी कलर आप ले सकते हैं। सिंपली मैं इस वाले लेयर को क्लिक कर रहा हूँ, और इसके ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाके मैं इसका भी कलर में थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। तो मैं कलर ओवरले के अंदर जाके इसका जो टी शर्ट का या तो फिर पैंट का जो कलर है इसका, वो यहाँ पे पिक कर लूँगा, और देन उसको अप्लाई कर दूँगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पोस्टर टाइप लग रहा है, तो हमको इसको थोड़ा सा नेचुरल दिखाने के लिए शैडो क्रिएट करना होगा। इस जो प्लेयर है इसके बैकग्राउंड के पीछे थोड़ा सा शैडो क्रिएट कर देंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ब्रश टूल्स को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कलर मैं ले रहा हूँ ब्लैक, और यहाँ पे सिंपली मैं जाके जस्ट प्रेस कर दूँगा, और कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दूँगा, ताकि दिखने में और भी नेचुरल लगे। तो शैडो क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक छोटा सा शैडो क्रिएट कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे रख देता हूँ, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है।
तो ये रहा हमारा शेडो भी रेडी है, मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। और अगेन मुझे फुटबॉल के जो प्लेयर है उसके लेग के नीचे भी एक थोड़ा सा काइंड ऑफ शेडो चाहिए, तो मैंने उसी शेडो को डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे और उसके नीचे मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो आप शेडो को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले आपके हिसाब से, तो ये दिखने में नेचुरल लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस शेडो को भी अप्लाई कर दिया है, ये थोड़ा सा नेचुरल लुक भी आ रहा है इसको, तो आप देख सकते हैं। सिंपली मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, यहाँ पे शेडो अप्लाई किया है और जो हमने इफेक्ट बनाया था टेक्स्ट इफेक्ट उसको बैकग्राउंड में रख दिया है। इस तरह से आप एक कूल सा दिखने वाला इफेक्ट रेडी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली थोड़े से आइकॉन्स यहाँ पे डाउनलोड किए थे गूगल से, आप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं इनको यहाँ पे एक कॉर्नर के अंदर रखते रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना मैंने एक सिंपल सा बैनर यहाँ पे क्रिएट किया है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके रख देता हूँ और इस वाले कॉर्नर में मैं एक थोड़ा सा हैशटैग एक लिख दूंगा जो कि है ओके। और इन दोनों को सिलेक्ट करके, फुटबॉल को और इसके जो लेयर है उन सबको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अगेन। ओके, तो ये दिखने में एक सोशल मीडिया बैनर के जैसा भी दिख रहा है, बस आपको थोड़ा सा एक टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे, वो टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हूँ। और इन सब का जो कलर है मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँगा कलर। आप चाहो तो इसके अंदर से जो स्ट्रिप्स का कलर है उसको भी आप पिक कर सकते हैं, देखो कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैंने यहाँ पे उसी को फाइनल कर दिया। देन टेक्स्ट का भी जो कलर है मैं उसको सेम वही कलर रख रहा हूँ जो कि इसके स्ट्रिप के अंदर है। तो आप अराउंड प्ले कर सकते हैं कि आपको किस तरह का लुक चाहिए, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट क्या चीज़ आपको चाहिए। तो अगेन इसका कलर मैं अगर चाहूँ तो ब्लैक के अंदर भी कर सकता हूँ या फिर डार्किश कलर भी मैं कर सकता हूँ। और इसका जो स्ट्रिप का कलर है वो भी काफ़ी कूल दिखता है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं कि वो वाला कलर आपको कैसे लग रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे उस वाले कलर के अंदर अप्लाई कर दिया है और ठीक है जी, ये वाला कलर मुझे ठीक लग रहा है। तो मैंने इसी के अंदर दोनों तीनों जो कलर्स थे उसको फाइनल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का लुक हमको यहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स मैं लेकर आने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर।